ओके बेटा, क्या नाम है बच्चे आपका? मैं नवप्रीत सिंह। नवप्रीत। बेटा, हैव यू सीन एनीबडी हु इज वर्किंग विथ चूल्हा? चूल्हा पे, जो चूल्हे पे जल काम मैम करती यस थी, सर। है ना? अच्छा, आपने कभी देखा है उनको वो आगे करते हुए, गत्ते से हिलाते हुए, है मैम यस सर। ना? वो गत्ते से क्यों हिलाते रहते हैं सामने, ताकि लकड़ी आराम से बर्न करे? उसका क्या फायदा है? उससे लकड़ी को क्या मिलता है? मैम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिलती है, और वहां से जो स्मोक है वो दूर होती है बेटा, ठीक है? तो जब हम वो गत्ते से हिलाते हैं, तो जो स्मोक है वो साइड में हो जाती है, ताकि वहां पे ज्यादा एयर अवेलेबल हो सके। बेटा, अगर आप बैठो, नेक्स्ट स्टूडेंट, क्या यस नाम है बेटा आपका? मैं करणवीर सिंह। करणवीर। यू टेल मी बेटा, कि अगर लकड़ी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, देन व्हाट विल हैपन? मैम वो बर्न नहीं होगी कंप्लीटली आग तो लग जाएगी, बट थोड़ी देर बाद बुझ जाएगी। मैम। यस सर। इनकम्प्लीट बर्निंग होगी। मैम यस सर। यस, बैठो बेटा पीछे। मैम यस। बेटे, क्या आपकी मदर या जो भी काम कर रही हैं, क्या जब वो इनकम्प्लीट बर्निंग हो रही है, कैन शी मेक फूड ऑन दैट वुड? नो नहीं। क्यों? मैम, बिकॉज मैम फायर विल नॉट देयर मैम, देन नहीं, फूड विल फायर बी। है तो सही, बट बहुत हल्की हल्की सी इनकम्प्लीट बर्निंग है, ज्यादा नहीं है। तो क्यों, तो वहां पे हीट प्रॉपर निकलेगी कि नहीं? हीट मैम व्हाट प्रॉपर मिलेगी? मैम नो नहीं, हीट नहीं मिलेगी। बैठो बेटा, नेक्स्ट स्टूडेंट, व्हाट्स योर नेम? यस। मैं अमोलक सिंह। अमोलक सिंह। ओके अमोलक, यू टेल मी कि कंप्लीट बर्निंग के लिए क्या चाहिए वुड को? ऑक्सीजन मैं ऑक्सीजन। चाहिए। इट विल प्रोड्यूस मोर हीट और लेस हीट? मैम मोर हीट। इनकम्प्लीट बर्निंग इन द मैम लेस हीट एब्सेंस है। ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस लेस हीट, राइट? बैठो अमोलक, नेक्स्ट स्टूडेंट। यस इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द सेल्स अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन? मैम इन द एब्सेंस ऑफ इन द ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल ठीक है। बैठो, नेक्स्ट, व्हाट्स योर नेम? मैम तिलमन सिंह। ओके बेटा, तिल ओके, देन टेल मी कि व्हाट व्हिच प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी, एरोबिक की एनारोबिक? मैम अरबिक। एरोबिक, व्हाई? मैम बिकॉज इट अकर्स इन द ऑक्सीजन इट इन अकर्स इन द एनारोबिक। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बैठो, वेरी गुड, नेक्स्ट। यस एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन व्हाई इट प्रोड्यूसेस मोर हीट, मोर एनर्जी? मैम व्हाई बिकॉज देयर इज कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड की इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड? कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड। बैठो बेटा, नेक्स्ट स्टूडेंट, क्या नाम है बेटा आपका? मैं मोहम्मद अजद। ओके बेटा, सो नाउ टेल मी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन इट प्रोड्यूसेस लेस एनर्जी, व्हाई? मैम बिकॉज मैम ऑक्सीजन है मैम, विदाउट ऑक्सीजन मैम देयर अकर्स, हाँ, दे अकर विदाउट ऑक्सीजन इट मैम। अकर्स विदाउट ऑक्सीजन, ड्यू टू विच देयर अकर्स कंप्लीट ब्रेकडाउन की इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन? मैम कंप्लीट। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी कंप्लीट ब्रेकडाउन, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन? मैम अनकंप्लीट। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की एब्सेंस में, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड, दैट्स व्हाई मोर एनर्जी की लेस एनर्जी? मैम लेस। लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, बिल्कुल ठीक है। पीछे दो बेटा, क्या नाम है बेटा आपका? मैम विक्रम। विक्रम। ओके बेटा, नाउ हम डिफरेंस करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। जल्दी से बताओ बेटा, फर्स्ट डिफरेंस बताइए। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेज ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, और ये
इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल ठीक है। चलिए जी विक्रम, नेक्स्ट स्टूडेंट को दो माइक। साथ में जो गर्ल्स है ये आपके, अच्छा क्या नाम है बेटा आपका? गुरनूर गुरनूर। बेटा सेकंड बताइए। मैम, एरोबिक रेस्पिरेशन मैम इन द लार्ज नंबर। आप मुझे बताइए कि फूड की ब्रेकडाउन कैसे होती है, कंप्लीट इनकम्प्लीट, किसमें कंप्लीट किसमें इनकम्प्लीट? मैम एरोबिक में कंप्लीट, मैम एनएरोबिक में कंप्लीट नहीं होती, यस, कंप्लीट। ये बेटा आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड हियर इट इज इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। हाँ जी, नेक्स्ट स्टूडेंट को दे दो। हाँ जी बेटा, क्या नाम बेटा आपका? रितिया अग्रवाल। ओके बेटा, ना टेल मी मिस अग्रवाल कि भी कहां पर जो है एनर्जी ज्यादा और कहां पे कम। मैम एरोबिक में ज्यादा और एनारोबिक में कम। वेरी गुड, मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। एंड हियर लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। वेरी गुड, नेक्स्ट स्टूडेंट। बेटा नाउ टेल मी द डिफरेंस, क्या नाम है बेटा आपका? सिमरन, सिमरन। ओके सिमरन, नाउ टेल मी व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, प्रोडक्ट्स का मतलब है कि अगर ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वाटर एनर्जी, एंड एनर्जी। और इधर लैक्टिक एसिड। ग्लूकोज ऑक्सीजन की एब्सेंस में टूटता है तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, या फिर और अल्कोहल। यस वेरी गुड, अल्कोहल। यहाँ पे बेटा कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है प्लस एनर्जी। इज इट ओके? ठीक है जी, बैठो बेटा, नेक्स्ट स्टूडेंट। मिस हाँ जी, क्या नाम बेटा आपका? मैम दिलजीत। दिलजीत। बेटा हमने कहा है कि अगर जिस लकड़ी की इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हुई थी, बर्निंग हुई थी, अगर हम उसको प्रॉपर ऑक्सीजन दे, इट विल गेट कंप्लीटली बर्न, यस और नो? मिस ओके सिमरन, नाउ कैन ये बना है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इफ वी सप्लाई ऑक्सीजन टू लैक्टिक एसिड और इथाइल अल्कोहल, कैन इट बी कंप्लीटली ब्रोकन? क्या मैम ये फर्दर, जैसे हमने कहा लकड़ी को जो इनकम्प्लीट बर्निंग थी उसको ऑक्सीजन दे, आग लगाए, तो वो कंप्लीटली बर्न हो जाएगी, क्या इसी तरह से ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये बना? बट अगर हम इनको, लैक्टिक एसिड को, अल्कोहल को ऑक्सीजन दें, कैन दे बी फर्दर ब्रोकन? यस यस दे कैन बी फर्दर ब्रोकन। ठीक है, सो यहाँ पे हम एक पॉइंट लिख सकते हैं जिसको नहीं, ये अलग सा पॉइंट आपको लगेगा, बट लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल कैन बी ब्रोकन, एक्सक्यूज मी, कैन बी ब्रोकन फर्दर इफ दे आर सप्लाइड विद ऑक्सीजन। ओके ठीक ओके मैम। है, बैठो बेटा, सबके लिए ही हम बता रहे हैं। इज इट ओके? ऑल द फोर पॉइंट्स क्लियर? यस यस। नेक्स्ट स्टूडेंट बेटा, व्हाट इज मिस फर्मेंटेशन? हैव यू एवर हर्ड अबाउट फर्मेंटेशन? मिस क्या क्या है फर्मेंटेशन? मैम I'm burning off any substance in the presence of you. नहीं, प्रेजेंस नहीं बेटा, एब्सेंस, बर्निंग नहीं। Absence. अगेन एनारोबिक रेस्पिरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। बैठो बेटा।
एनारोबिक रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। ओके ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। हम फिर यही जो चीज है रेस्पिरेशन, अगर सेल रेस्पिरेशन हम बात करें तो हम कहते हैं दो टाइप की है, एरोबिक एंड एनारोबिक। दोनों में एक कॉमन स्टेप है, दैट इज ग्लूकोज फर्स्ट ब्रेक्स डाउन इनटू पाइरूवेट। दिस इज ए कॉमन स्टेप बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसके बाद पाइरूवेट एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इट ब्रेक्स डाउन इंटू कार्बन डाइऑक्साइड वॉटर एंड लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी। वेयर एज नो ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट आइदर ब्रेक्स डाउन इंटू एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी और इट ब्रेक्स डाउन इंटू लैक्टेट प्लस एनर्जी। ये जो है दिस इज एग्जाम्पल आ जाती है इसकी, यीस्ट। और इसकी एग्जाम्पल आ जाती है बेटा हमारे मसल्स, मसल्स ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। इज इट ओके, लिख लो ये। दिस स्टेप इज कॉमन स्टेप। एवरीबडी नोट डाउन, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन एज आई हैव टोल्ड यू ऑल्सो कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन दो टाइप की है, जैसे अभी आपको बताया, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरी है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्लियर बेटा?
करें आगे बच्चे। चलिए हाँ जी बेटा, हिल्स पे जाएं, बहुत ज्यादा चढ़ाई करें या बहुत 200 मीटर की रेस करें, तो उसके बाद क्या होता है कि हम एकदम 200 मीटर रेस के बाद हम बैठ गए, उसके बाद खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, हमसे चला ही नहीं जाता, वाई। हाँ जी, जिसके पास माइक है बेटा बोलो स्टूडेंट। मैम वाई वी कैन नॉट, हम वैष्णो देवी जाएं, हेमकुंड साहब जाएं, है ना, तो वहां पे चढ़ाई करते 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 एक टाइम ऐसा आता है व्हेन वी सेट एंड वी कैन नॉट वॉक फर्दर, हम चाहते भी है बट हम चल नहीं पाते, वाई। मैम लॉस ऑफ एनर्जी. लॉस ऑफ एनर्जी तो ठीक है, और बाकी तो हमारी सब चीजें चल रही है, सिर्फ टांगे ही नहीं चल रही, क्यों? आप बैठो नेक्स्ट स्टूडेंट। मैम बिकॉज इन आवर बॉडी लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड. बिकॉज इन आवर मसल्स लैक्टिक एसिड गेट्स प्रोड्यूस्ड दैट कॉजेस, क्या हम कह देते हैं, मसल क्रैम्प्स। आप बेटा बहुत टाइम बाद अगर आप लेट अस से कुछ एक्सरसाइजेस करने जाएं तब भी आपकी लेग्स में पेन शुरू हो जाती है, ठीक है, तो क्यों? ड्यू टू मसल क्रैम्प्स, हम कह देते हैं ना हमारे मसल्स में क्रैम्प्स आ गए हैं, राइट, सो दैट आर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड ऐसा क्या करता है बेटा? तो बेटा हमारे जो मसल्स है लेग्स के, आर्म्स के, या किसी के भी जो हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये मसल्स है, लेट अस से दिस इज अ मसल। ये मसल है, इसने काम करना है, बट ये काम कब करता है, जब इसको ब्रेन से मैसेज आता है, दिस इज नर्व फाइबर। जब इसको ब्रेन से मैसेज आता है ओनली देन इट वर्क। तो जब हम हेमकुंड साहब जा रहे हैं तो क्या हमारा दिमाग खराब हो गया? वैष्णो देवी जा रहे हैं दिमाग खराब हो गया हमारा? काम नहीं कर रहा वो, कर रहा है बेटा, फिर भी क्यों हमारे मसल्स एक टाइम के बाद काम करना बंद कर देते हैं? तो क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड बन गया। चलो जी, लैक्टिक एसिड बन गया है, तो लैक्टिक एसिड क्या कर रहा है? एक मिनट बेटा, सो दिस लैक्टिक एसिड ये यहाँ पे आकर डिपॉजिट हो गया, मसल से बना और यहाँ पे आके डिपॉजिट हो गया। इट हैज क्रिएटेड अ बैरियर बिटवीन नर्व फाइबर्स एंड द मसल फाइबर्स। इट क्रिएटेड द बैरियर बिटवीन द सिग्नल्स फ्रॉम ब्रेन टू मसल। सो व्हेन देयर इज बैरियर द ब्रेन कैन नॉट सेंड द सिग्नल टू द मसल। एंड इफ मसल्स, बेटा इधर फर्स्ट रो बॉयज इधर देखो ध्यान से, इफ द मसल्स डू नॉट गेट सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन दे वोंट वर्क, ठीक है, बट कुछ टाइम बाद फिर हम खड़े होते हैं, कुछ टाइम रेस्ट करने को, डीप ब्रीदिंग करते हैं, मसाज करते हैं, कुछ करते हैं, और उसके बाद हम फिर चलना शुरू कर देते, कैसे? हाँ जी नेक्स्ट स्टूडेंट, क्या नाम है बेटा आपका? महक महक। हाँ जी बेटा, कुछ टाइम बाद फिर हम चलना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब मसल्स ने काम करना शुरू कर दिया। मसल्स ने काम करना शुरू किया क्योंकि यहां से मैसेज मिलना शुरू किया, कैसे? इस लैक्टिक एसिड को क्या हुआ? बैठो नेक्स्ट स्टूडेंट, महक बैठो बेटा, ध्यान से सुनना है कोई बताएगा तो। हाँ जी बोलो बेटा। लैक्टिक एसिड रिलीज्ड. लैक्टिक एसिड यहां से रिलीज हो गया, कहां गया?
मैम एनीबडी एनीबडी हु कैन टेल? नहीं, बैठो बैठो बेटा। हम कहते हैं जब आपकी टांगे, बेटे बॉयज इधर, जब टांगों में दर्द है कुछ है तो हम कहते हैं डीप ब्रीदिंग करो, है ना, तब चल पाओगे, या ऑयल की मसाज कर लो, या हम कहते हैं गर्म पानी में पैर रख लो तो वो पेन खत्म हो जाएगी, हम चलने लग पड़ेंगे, हमारे मसल्स काम करना शुरू कर देंगे, बिकॉज वट विल हैपन दैट दे विल गेट ऑक्सीजन, राइट? ऑक्सीजन रीचेस टू द मसल, ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड, हमने क्या कहा था कि अगर आधी जली वो लकड़ी को ऑक्सीजन मिले तो वो पूरी जल जाएगी, इसी तरह लैक्टिक एसिड को अगर ऑक्सीजन मिले तो वो कंप्लीटली बर्न हो जाएगा। सो लैक्टिक एसिड कैन बी डिस्पोज्ड, इसको हम खत्म कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन मिल जाएगी तो लैक्टिक एसिड भी बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना देगा, यहां से लैक्टिक एसिड खत्म हो जाएगा और मैसेज फिर पहुंच जाएंगे। इज इट ओके एवरीबडी? कैन लैक्टिक एसिड बी नेक्स्ट स्टूडेंट? हाँ जी, क्या नाम है बेटा आपका? हरनूर हरनूर। कैन लैक्टिक एसिड बी डिस्पोज्ड ऑफ? मैम, यस हाउ? मैम, इट ब्रेक्स डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी व्हेन? मैम, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बैठो बेटा। ठीक है जी, सो दिस इज एनारोबिक एंड एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड फॉर्म्स एल्कोहल एंड या लैक्टिक एसिड, बट दे कैन बी ब्रोकन फर्दर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट? चलिए जी, अब हम लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस। हाँ जी, नेक्स्ट स्टूडेंट बेटा, खड़े हो जाओ, नाम बताओ बेटा। जसरीत जसरीत। ओके बेटा, पढ़ो ये क्वेश्चन, आंसर बताओ। एमसी, ड्यू टू एक्यूमुलेशन, व्हाई आफ्टर हैवी एक्सरसाइज अ पर्सन फील्स पेन इन मसल्स? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। वेरी गुड बेटा, बैठो। नेक्स्ट स्टूडेंट, इधर दे दो। हाँ जी, खड़े हो जाओ, नाम बताओ यस बेटा। कोमल। मैम, कोमलप्रीत कौर। ओके कोमल, ये बताइए, ध्यान से पढ़ना है। हाँ जी, क्या आंसर है मैम बेटा? बोथ ए एंड सी। बोथ ए एंड सी। वेरी गुड कोमल, कि व्हेन द लैक्टिक एसिड गेट्स डिस्पोज्ड ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट ब्रेक्स डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सो इट इज बोथ ए एंड सी। वेरी गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्या नाम है बेटा आपका? दीपिंदर सिंह, क्या नाम बेटा? दीपिंदर। दीपेंदर। ओके दीपेंदर, ये बताइए बेटा, हाउ द मसल्स गेट सफिशियंट ऑक्सीजन आफ्टर एक्सरसाइज? ऑल ऑफ दी अब। ऑल ऑफ द अबव। वेरी गुड बेटा, बाय डीप ब्रीदिंग, आपको पता है, बाय हॉट वाटर बाथ। हॉट वाटर बाथ से क्या होता है बेटा, ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ती है, और ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ेगी तो ऑक्सीजन पहुंचेगी। ऑयल मसाज, इससे भी ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ती है एंड द मसल्स विल गेट मोर ऑक्सीजन। वेरी गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट, मैम यस, हाँ जी, ये भी देखिए, हाई ऑल्टीट्यूड्स, लेह लद्दाख में आप चले गए, बहुत ऊपर, और मानसरोवर चले गए। एम ए एंड सी। ए एंड सी, बिल्कुल ठीक। एयर हैज लेस ऑक्सीजन, इसलिए हमें सांस नहीं आता है वहां पे ज्यादा, और इसी कारण ज्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए रेट ऑफ ब्रीदिंग भी बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे हमने क्या कहा था कि पानी में, नेक्स्ट स्टूडेंट, पानी में बेटा ऑक्सीजन कम होती है कि ज्यादा होती है? कम कम होती है
कम होती है, दैट्स व्हाई एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैव मोर रेट ऑफ ब्रीदिंग की लेस रेट ऑफ ब्रीदिंग? मैम, लेस रेट ऑफ ब्रीदिंग, नहीं बेटा, हाई रेट ऑफ। अगर ऑक्सीजन हाई कम रेट। होगी तो ज्यादा ऑक्सीजन के लिए वो तेज तेज सांस लेंगे क्या? नहीं, यस ठीक है ना। इसी तरह से जब हम पहाड़ों पे जाते हैं बहुत ऊंचे, वहां पे भी ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए हमें सांस चढ़, सांस में हम क्या करते हैं, रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाती है ना, यही होता है ना, मैम, यस है ना। तो इसी तरह से एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में भी यही है, उनकी भी रेट ऑफ ब्रीदिंग हाई है। तो हमारी रेट ऑफ ब्रीदिंग क्यों बढ़ती है? क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड्स पे ऑक्सीजन कम होती है। ओके, मैम, यस नेक्स्ट स्टूडेंट। हाँ जी, क्या नाम है बेटा आपका? पारस। मैम, पारस। ओके पारस, इसका आंसर, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपने बताना है इनके बेसिस पे। ये आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शंस ये है चार, इनके बेसिस पे आपने बताना है कि इसका क्या है। ये याद रखना है, यहाँ पे एब्सेंस है, मैं आपको हिंट दे रही हूं, अब देख लो। मैम एस रीजन, मैम फर्स्ट का गलत है, रीजन है। रीजन की स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं? प्रेजेंस ऑफ वाटर मैम, यस रीजन सही है। रीजन सही है, तो फिर कौन सी ऑप्शन आ जाएगी? मैम डी डी ऑप्शन, वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? पारस। पारस। वेरी गुड पारस, बिल्कुल ठीक है। लॉट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। नहीं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में तो बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इंश्योर्स कंप्लीट, ये ठीक है। सो ऑप्शन डी, असर्शन फॉल्स बट रीजन ट्रू। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्या नाम बेटा आपका? मैं जयदीप सिंह। जयदीप। ओके जयदीप, ये बताइए, पहले ये स्टेटमेंट मैं बताइए, रीजन सही है, मैं असर्शन ठीक है? रीजन्स, मैं रीजन्स फॉल्स। नहीं, पहले ये बताओ, असर्शन ठीक है? ऑयल मसाज ऑफ मसल्स इंक्रीजेस ब्लड एंट्री सप्लाई हुआ टू। है, मैं ऊपर वाला, मैं एंट्री हुआ है, नीचे वाला फॉल्स है। नीचे वाला फॉल्स कैसे है? बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस एनर्जी, ये फॉल्स क्यों है? एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी बनती है, यस सर, एनारोबिक में? यस सर, तो फिर ये ट्रू है कि मैं ट्री फॉल्स? हुआ है। ट्रू है, बट क्या रीजन इसको एक्सप्लेन कर रहा है? नो नहीं, तो फिर कौन सी आंसर कौन सा हो जाएगा? मैम, बी बी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है। समझ आ गई सबको? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको नहीं समझ में आई? वेरी गुड बेटा, बैठो। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको नहीं समझ में आई? चलिए नेक्स्ट आ जाइए। हाँ जी, नेक्स्ट स्टूडेंट, नाम बताओ बेटा। मैम, ईमान। ईमान। यस, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ, मैं आपको बेटा इसका हिंट दे देती हूँ, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ लाइम वाटर। क्या ये कैल्शियम क्लोराइड है? क्या ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है? या ये कैल्शियम कार्बोनेट है? लाइम वाटर क्या है बेटा? हाँ जी मान, मैम, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक है। सो लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इट इज बी, वेरी गुड, सबको याद रखना है। अब लाइम वाटर, नेक्स्ट स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाता है बेटा? हाँ जी, क्या नाम है बेटा आपका? मैं मिल्की वाटर बनाता है, मैं मिल्की वाटर है, कंपाउंड कौन सा बनता है बेटा यहाँ पर, इन तीनों में से बताओ। मैम सी सी ऑप्शन है मैम। सी बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, वेरी गुड।
क्या नाम है बेटा आपका? मैम खुशमन जोशी। ओके खुशमन। कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, बट ये मिल्की क्यों बना देता है? हाँ जी, व्हाई टर्न्स मिल्की? बेटा हम पानी में शुगर चीनी मिलाते हैं या नमक मिलाते हैं तो पानी क्लियर का क्लियर है, मिल्की तो नहीं है, बट ये मिल्की क्यों बना देता है? ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ लाइम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वो तो ठीक है, वो तो ये बन गया, बट फिर भी सॉल्यूशन मिल्की क्यों है? कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूबल है कि इनसॉल्यूबल है? मैम सॉल्यूबल। बेटा चीनी मिलाओ पानी में तो वो सॉल्यूबल होती है कि इनसॉल्यूबल होती है? मैम इनसॉल्यूबल। नहीं, चीनी सॉल्यूबल होती है कि इनसॉल्यूबल? तो सॉल्यूबल। वो पानी क्लियर होता है कि कुछ कलर चेंज हो जाता है, मिल्कीनेस होती है? कुछ कुछ कलर चेंज हो सकता कुछ कलर चेंज नहीं होता बेटा, है शुगर मैम। वाटर का कुछ कहाँ कलर सेम ही कलर होता है, वो तो चीनी ब्राउन हो तो बात अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे मिल्कीनेस है, प्रेसिपिटेट्स धागे धागे से नजर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट क्या है बेटा? कार्बोनेट सॉल्यूबल की इनसॉल्यूबल? इनसॉल्यूबल। इनसॉल्यूबल है, वेरी गुड। व्हाइट इज मिल्की क्योंकि मैम ये इनसॉल्यूबल। बैठो बेटा, नेक्स्ट स्टूडेंट। नेम द ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन बेकिंग एंड ब्रूइंग। कैल्शियम। कौन सा? बेकिंग मैम एंड फर्स्ट ब्रूइंग? वन है मैम ये। नहीं बेटा, ये तो अब छोड़ दो। नेम द ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऑर्गेनिज्म हम शराब बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं? नेक्स्ट स्टूडेंट। यस हाँ, कौन सा स्टूडेंट यू स्टूडेंट कह रही, कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज करते बेटा? और बेकिंग। हाँ जी, कहाँ जाना है बेटा आपने? 5 मिनट बैठ जाओ, 5 मिनट बैठ जाओ, बस खत्म होने वाली है। हाँ जी, नहीं पता बेटा। हाँ जी मैम, जरा इधर देना माइक, ये एक बॉय का हाथ खड़ा है। मम यीस्ट। वेरी गुड बेटा, इतना कॉमन है। इट इज यीस्ट। बैठो बेटा, यीस्ट क्या है? यीस्ट एक फंगस है। इट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक ही सेल का बना है, एंड इट शोज एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इट ब्रेक्स ग्लूकोज इंटू कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, इट ब्रेक्स ग्लूकोज इंटू कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कोहल एंड एनर्जी। बेकिंग इंडस्ट्री कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कोहल तो इवेपोरेट हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जब हम बेक करते हैं ब्रेड को, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर को निकलती है, इट प्रोड्यूस पोर्स इन द ब्रेड एंड केक्स। ड्यू टू दिस कार्बन डाइऑक्साइड द ब्रेड इज सॉफ्ट, पोरस, केक्स आर सॉफ्ट एंड पोरस। वेयर एज इन ब्रूइंग, ब्रूइंग होता है हार्ड ड्रिंक, शराब बनाने की इंडस्ट्री, ब्रूइंग में कार्बन डाइऑक्साइड इज डिस्पोज ऑफ, वेयर एज एल्कोहल इज लेफ्ट, एंड दिस एल्कोहल इज देन प्योरिफाइड फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। ठीक है, सो यीस्ट इज यूज्ड इन बोथ बेकिंग एंड ब्रूइंग। इज इट ओके स्टूडेंट्स? ठीक है जी एवरीबडी, सो दिस इज ऑल आई हैव टू टेल यू। ठीक है, जो इस चैप्टर में जो मेन मेन चीजें थी बेटा, वो मैंने आपको बताई। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है इस चैप्टर में से, चाहे मैंने पढ़ाया या नहीं, यू कैन आस्क मी एनीथिंग, एनीवन, रेज योर हैंड्स। चलिए बेटा, सो दिस इज ऑल।
कल या परसों जो मैंने पढ़ाया उसमें से एक छोटा सा टेस्ट होगा, ठीक है, लेट्स सी, है ना, वो मेरा भी टेस्ट है, आपका ही टेस्ट नहीं है अकेला, वो मेरा भी टेस्ट है कि आपको कितना समझ आया, तो मुझे फेल तो नहीं करोगे, है ना, तो खुद भी आपने फर्स्ट आना है और मुझे भी फर्स्ट करना है, राइट, नहीं तो क्या कहेंगे आपकी मैम, कहेंगे इनको समझ ही कुछ नहीं आया, मैम ने पता नहीं क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, ठीक है, तो इसलिए बेटा मुझे फेल नहीं करना है, दिस इज नॉट योर टेस्ट, दिस इज माई टेस्ट, है ना, तो ध्यान से इट्स समझ ऑल्सो माई टेस्ट विद यू ऑल्सो. नहीं मैम आपका तो टेस्ट पहले हो चुका है, वो तो इट्स वेरी गुड, है ना, बच्चों को बहुत कुछ आता था, इट्स हैट्स ऑफ टू यू, आपने बहुत अच्छा समझाया हुआ है, थैंक यू मैम. ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी सी चीजें मैंने समझा दी जो इनको हायर क्लासेस में भी काम आ सकती है, ठीक यस है जी, चलिए, थैंक थैंक यू यू मैम. बेटा, थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर द नाइस कोऑपरेशन मैम, राइट, ओके बेटा, बाय बाय, सो होपिंग टू सी यू फर्दर, है ना, मैं आपको कभी, आई विश वी शुड मीट फर्दर, राइट, ठीक, ओके मैम, बाय बाय, थैंक यू बेटा.